Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about UGC NET Paper 2 Political Science. और Political Science की आज हम देखेंगे Quiz Class 10 Paragraph Based जो questions आते हैं उसको आज हम देखेंगे. Start करते हैं आज के lecture को. Okay? So सबसे पहले हमको क्या करना होगा? Paragraph पढ़ना होगा. अच्छी तरह से पैराग्राफ पढ़ के समझते हैं. इन समरी एन इंक्रीजिंग रेडीनेस बाय द यूएन टू इंटरवीन विद इन द स्टेट्स इन ऑर्डर टू प्रमोट इंटरनल जस्टिस फॉर इंडिविजुअल्स इंडिकेट अ मूवमेंट टुवर्ड्स ग्लोबल गवर्नेंस एंड अवे फ्रॉम अनकंडीशनल सोवरेनिटी. समरी शॉर्ट में कहेंगे कि द इंक्रीजिंग रेडीनेस जो होता है जो यूएन का जो इंटरवेंशन का जो इंक्रीज हो रहा है विद इन द स्टेट्स राज्य में राष्ट्र में इन ऑर्डर टू प्रमोट वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं जस्टिस प्रोवाइड करने की जस्टिस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं देशों में फॉर इंडिविजुअल्स कुड इंडिकेट अ मूवमेंट टुवर्ड ग्लोबल गवर्नेंस जो किस तरफ जा रहा है ग्लोबल गवर्नेंस की तरफ जा रहा है एंड अवे फ्रॉम अनकंडीशनल सोवरेनिटी जो अनकंडीशनल सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट था सोवरेन पावर का कॉन्सेप्ट जो था वो हट रहा है. देयर हैव बीन सम साइंस ऑफ मूवमेंट इन द इन दिस डिरेक्शन सो कुछ साइन है इस मूवमेंट में इस डिरेक्शन में बट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट सोवरेनिटी एंड नॉन इंटरवेंशन रिमेन इम्पोर्टेंट. लेकिन स्टेट सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट हट नहीं जा रहा है और जो नॉन इंटरवेंशन का कॉन्सेप्ट रिमेन इम्पोर्टेंट रह रहे हैं. देयर इज नो क्लियर कॉन्सेंसस ऑन दिस पॉइंट इस विषय में कोई क्लियर सम्मति नहीं है सहमत नहीं है. देयर इज स्टिल सम सपोर्ट फॉर द व्यू दैट आर्टिकल 27 ऑफ द यूएन चार्टर शुड बी इंटरप्रेटेड स्ट्रिक्टली. सो देयर इज स्टिल सम सपोर्ट यहाँ पर सपोर्ट है कि आर्टिकल 27 में बताया गया यूएन चार्टर के कि ये जो सोवरेनिटी है इसे स्ट्रिक्टली मानना पड़ेगा इंटरप्रेटेड करना पड़ेगा व्याख्या करना पड़ेगा. देन देयर कैन बी नो इंटरवेंशन विद इन अ स्टेट विदाउट द एक्सप्रेस कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट उस राष्ट्र की सम्मति के बिना उस राष्ट्र के सरकार के सम्मति के बिना कोई राष्ट्र दूसरी राष्ट्र उसके अभ्यंतरीण विषय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है. This provision position is probably most frequently seen in the argument favored by the government of the People of Republic of China. This provision, ये provisions जो है, position जो है, ये कौन ज़्यादा frequently देखा जाता है? China के government के अंदर, okay? Others believe that intervention within a country to promote human rights is only justifiable on the basis of the threat to international peace and security. So, international peace and security को maintain करने के लिए human rights को maintain करने के लिए किसी भी राष्ट्र पे आप हस्तक्षेप कर सकते हैं ये चॉइस है. Evidence of a threat to international peace and security जो evidence of a threat अगर से threat का कोई evidence मिला international peace और security को maintain करवाने में could be the appearance of significant number of refugees or the judgment that other states might intervene militarily वो हस्तक्षेप कर सकते हैं. Some liberals argue, liberals जो है वो argue करते हैं that this condition is flexible enough to justify, ये जो condition है flexible है to justify करने के लिए. Intervention to defend human rights whenever it seems prudent. So ये flexible है इसे justify कर सकते हैं. There is also some support for stronger position के लिए भी support है. In September 1999 September month में UN Secretary General जो कोफी आनंद उन्होंने डिक्लेयर किया था दैट इंडिविजुअल सोवरेनिटी मे बी एज इम्पोर्टेंट एज नेशनल सोवरेनिटी. नेशनल सोवरेनिटी की जितना ही इम्पोर्टेंट है कौन सा सोवरेनिटी इंडिविजुअल सोवरेनिटी. तो ये है हमारा टेक्स्ट. अब यहाँ से आंसर करना पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से. फर्स्ट क्वेश्चन है अंडर व्हाट कंडीशन कैन यूएन इंटरवेंशन इन द स्टेट अफेयर्स किस परिप्रेक्ष्य में यूएन इंटरवेंस कर सकता है स्टेट अफेयर्स में. ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सप्रेस कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स राष्ट्र के अनुमति के कंसेंट के आधार पर. नेक्स्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द मेजर पावर के रिकमेंडेशन के बेसिस पर. नेक्स्ट टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी ऑप्शन डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए या नेक्स्ट टू टैकल प्रॉब्लम्स ऑफ नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट को टैकल करने के लिए. सो देखिए यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर तो क्लियरली बताया गया है हम उस परिप्रेक्ष्य में हस्तक्षेप कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ पर बताया गया है कि उस राज्य ने अगर या राष्ट्र ने उसको परमिशन दिया तो ओके तो यहाँ पर देखते हैं
यहाँ पर देखिए, देयर कैन बी नो इंटरवेंशन विद इन अ स्टेट विदाउट द एक्सप्रेस कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the general feeling among same sections regarding the basis of UN intervention? So general feeling क्या है इस विषय में कि UN intervention कर रहा है? Economic failure के हिसाब से वो लोग देखते हैं, human rights violation के हिसाब से वो लोग देखते हैं कुछ लोग, large scale violence बड़े स्तर पर हिंसा की तरफ देखते हैं कुछ लोग, problem of drug trafficking इस हिसाब से देखते हैं। So हमारे हिसाब से human rights violation हो रहा है। देखिए यहाँ पर clearly बताया गया है, यहाँ पर देखिए कि अदर्स बिलीव द इंटरवेंशन विद इन अ कंट्री टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स इज ओनली जस्टिफाइबल ऑन द बेसिस ऑफ द थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सो ह्यूमन राइट्स इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द मैटर ऑफ स्टेट इंटरवेंशन, स्टेट इंटरवेंशन के विषय में यूएन शुड एडहेयर टू प्रोविजंस रिलेटेड टू व्हिच एस्पेक्ट, कौन से विषय में उसको उस विषय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इन द मैटर ऑफ स्टेट इंटरवेंशन यूएन शुड एडहेयर, कौन से विषय को उसको पहलू को मद्देनजर रखना चाहिए? फर्स्ट डोमेस्टिक ज्यूरिसडिक्शन को, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को या सोशल इक्विटी। डोमेस्टिक ज्यूरिसडिक्शन मतलब घरेलू अधिकार के क्षेत्र में, इकोनॉमिक कोऑपरेशन आर्थिक सहयोग के विषय में या पॉलिटिकल राजनीति में इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के विषय में या सोशल सामाजिक समानता के विषय में। स्टेट इंटरवेंशन को किस विषय में उनको क्या करना चाहिए, हस्तक्षेप मामले में उसको सावधानी बरतनी चाहिए, कौन से विषय में देखते हैं? घरेलू ज्यूरिसडिक्शन में उसको ख्याल रखना चाहिए, राइट। यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा, यहाँ पर देखिए जो पूरा टोटल सिस्टम है उसको ये इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी सबको इसको क्या कर मद्देनजर रखना क्या चाहिए, जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है उसको हिसाब में डोमेस्टिक जो हमारा राइट है उसको हमें मद्देनजर रखना चाहिए। देखिए यहाँ पर ढूंढते हैं। ओके, तो ये हमने पढ़कर जो समझा कि डोमेस्टिक जो विषय है, जो आभ्यंतरीण विषय है उसको मद्देनजर रखना चाहिए। यहाँ पर स्टेट सोवरेनिटी के विषय में बात किया गया है। ओके, इंटरनल जस्टिस की बात की गई है। सो इस हिसाब से डोमेस्टिक रिस्ट्रिक्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन व्हाट बेसिस यूएन रेडी टू इंटरवीन इन द मैटर्स ऑफ स्टेट, कौन से विषय में यूएन हस्तक्षेप कर सकता है? टू क्रिएट इंटरनेशनल कोऑपरेशन अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए, नेक्स्ट टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट को एंड करने के लिए, फैसिलिटेट ट्रेड पावर्स को फैसिलिटेट करने के लिए या इंटरनल जस्टिस को प्रोवाइड करने के लिए। यहाँ पर क्लियरली बताया है कि इंटरनल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए। यहाँ पर बताया गया है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी जस्टिस ये जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ रिलेटेड हो, तो इंटरनेशनल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएन ड्यू रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एस्टेब्लिश विच काइंड ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, कौन से टाइप का इंटरनेशनल सिस्टम, न्यू इंटरनेशनल सिस्टम एस्टेब्लिश करना यूएन का रेस्पॉन्सिबिलिटी है? फर्स्ट है मोर डेमोक्रेटिक सिस्टम, नेक्स्ट ग्लोबल गवर्नेंस को एस्टेब्लिश करना है, सार्वजनिक स्वायत्त जो शासन है उसको, रेगुलेटिंग सोशल सेक्टर को कंट्रोल करना, स्ट्रेंथनिंग यूएन फाइनेंसेस को स्ट्रेंथनिंग। देखते हैं क्या आप इस करने की बात की गई है। यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड लाइन में ही बताया गया है कि मूवमेंट टुवर्ड ग्लोबल गवर्नेंस, सो ग्लोबल गवर्नेंस को एस्टेब्लिश करने के लिए, सो ग्लोबल गवर्नेंस जो है मतलब प्रोवाइड ग्लोबल गवर्नेंस, ऑप्शन बी जो हमारा है हमारा करेक्ट आंसर। और जो 5 क्वेश्चंस हैं उसको हमें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है आपको सबसे पहले जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो आपको अच्छी तरह से ये जो समरी है, जो पैसेज दिया गया है उसको अच्छी तरह से पढ़ना होगा, वर्ड बाई वर्ड समझना होगा, मतलब समझ के ही आप क्वेश्चन पढ़िए और उसके बाद आंसर। सो तब तक के लिए थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू।